सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी. आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ ऑल बीबीए एग्जाम्स. आई थिंक कल मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जहां पे हमने टॉप स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात की, बीबीए क्यों करना चाहिए उसके बारे में बात की, और आज हम बात करने वाले हैं दैट अगर आप यू नो 2024 में बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस एपिसोड एंड वी विल स्टार्ट दिस एपिसोड विद द लिस्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसमें से सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, दैट इज IPMAT. ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है IIM इंदौर के द्वारा, राइट. और ये क्यों कंडक्ट होता है, बिकॉज IIM इंदौर जो है वो इंडिया के टॉप 5 MBA कॉलेजेस की लिस्ट में आता है एंड दे ऑफर अ कोर्स कॉल्ड BBA प्लस MBA जो कि इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का कोर्स होता है. और क्योंकि BBA के बाद MBA करना ही पड़ता है, भले आप कुछ साल एक्सपीरियंस लेने के बाद करो या राइट आफ्टर आपके ग्रेजुएशन करो, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉन्टेड टू गेट इन टू दिस कॉलेज. इसके एप्लीकेशन ओपन है 14th February से, लास्ट डेट जो है दैट इज 26th March. आई मीन आई थिंक जिस दिन ये वीडियो शूट कर रही हूं दैट इज द लास्ट डेट. एग्जाम जो है दैट इज 23rd May. देन इस लिस्ट में और भी कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है. अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं अपने स्टेट की, तो आप CUET UG का एग्जाम दे सकते हैं जो कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पे स्टूडेंट इस एग्जाम को देके जितनी भी स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बीबीए के लिए एनरोल कर सकते हैं, भले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर MP में कॉलेज हो, गुजरात में कॉलेज हो, सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कॉलेज. देन एक एग्जाम होता है कॉल सेट जो कि सिम्बियोसिस पुणे के लिए होता है. इसके एप्लीकेशन 13 December से ओपन है. 12th April इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन. टेस्ट जो है वो 5th May और 11th May को कंडक्ट होगा. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ IPMAT की डेट निकल चुकी है, बट आई विल चेक इट. अगर ये एक्सटेंड हुई होगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. देन वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी MBA भी कराता है, इंजीनियरिंग भी कराता है, दे हैव सो मेनी कोर्सेज, बट ये BBA के लिए थोड़ा जाना जाता है, MBA के लिए उतना ज़्यादा नहीं जाना जाता है. तो अगर आप BBA के लिए स्पेशली बैंगलोर में देख रहे हैं तो आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं. 8th December से इसके एप्लीकेशन ओपन है. लास्ट डेट टू अप्लाई इस 30th March, means you still have few days जहाँ पे आप apply कर सकते हैं. Then इस list को हम आगे बढ़ाते हैं. We have IPM aptitude test जो कि IIM रोहतक कराता है. ये भी अपने BBA plus MBA integrated course के लिए कराता है, जिसकी last date है 10th April. So अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है आप apply कर सकते हैं. 18th May को उसका exam conduct होगा. Then we have JIPMET and again JIPMET, IPMAT, IPM, aptitude test, ये सारे ही जो exams हैं ये IIM जो BBA plus MBA कराते हैं उनके लिए conduct होता है. इसकी last date है last week of April. अभी exactly किस date को last date है ये clear नहीं है. और exam भी जो है वो last date of you know May में conduct होगा. Then we have NPAT which is for NMIMS Mumbai. NMIMS MBA के लिए भी जाना जाता है. They also offer this course called BBA. इसकी last date है 20th May 2024. exam जो है वो मे में ही एंड में कंडक्ट होगा. देन वी हैव IMA UJAT, राइट, जिसको आप दे सकते हैं टू गेट इन टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस. सेट BBA की अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्स को हम डिटेल में अगर समझें, तो दैट इज सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसके लिए होता है. 12th में मिनिमम 50% चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं. 150 questions होते हैं और 1 hour का एग्जाम होता है. हर सही आंसर के लिए +1 की मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है. देन वी हैव IPMAT, राइट, कंडक्टिंग बॉडी इसकी जो है वो है IIM इंदौर. इसके लिए आपको 12th में 60% मिनिमम होना चाहिए. अगर आप किसी कैटेगरी के हैं तो 55% होना चाहिए. 100 questions है और 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है. व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन, +4 पॉजिटिव मार्किंग है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है और ऑनलाइन एग्जाम ये भी कंडक्ट होता है. देन वी हैव CUET UG, जिसके थ्रू आप ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एनरोल कर सकते हैं. NTA एग्जाम को कंडक्ट करता है, जिसके रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है व्हेन इट कम्स टू लेट. जैसे अभी CMAT भी कंडक्ट नहीं हुआ है.
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% ट्वेल्थ में होने चाहिए, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटे का एग्जाम है, सेम वाई मार्किंग है, +4 and -1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, देन वी हैव एनपैट जो कि एनएमआईएमएस के लिए होता है, ट्वेल्थ में 60% राइट, एज लिमिट जो है इसकी मैक्सिमम दैट इज 25 ईयर्स, 120 क्वेश्चंस एंड 100 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर सही आंसर के लिए +1 की पॉजिटिव मार्किंग है, ये भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, देन वी हैव IPM एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि IIM रोहतक कंडक्ट करता है इनके BBA प्लस MBA प्रोग्राम के लिए, क्लास 12 60% मिनिमम रिक्वायर्ड है, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 घंटे का एग्जाम होता है, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू भी होते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट ऑल दी IIMs एंड टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जो BBA कराते हैं, हर सही आंसर के लिए +1, गलत आंसर के लिए -1 की है, और ये भी ऑनलाइन एग्जाम होता है, देन वी हैव JIPMAT, ये NTA कंडक्ट करता है इस एग्जाम को, ट्वेल्थ में 60% होना चाहिए, 100 क्वेश्चंस, 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन है, हर सही आंसर के लिए +4, नेगेटिव के लिए -1 की मार्किंग रहती है, एंड देन वी हैव यू नो IIMA UJAT जो कि यू नो IIMA जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसके लिए होता है, ये कई सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं जो कि यू नो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, आप ट्वेल्थ किया होना चाहिए, 50% मिनिमम चाहिए, 120 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मिनट्स का एग्जाम होता है, हर सही आंसर के लिए +1 की मार्किंग और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सो ऑल इन ऑल यू नो दीज आर दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिस लिस्ट में वी हैव क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बहुत ईजी होता है ये कंपेरेटिवली टू ऑल दी अदर एग्जामिनेशन, 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे का ड्यूरेशन है, +1 पॉजिटिव मार्किंग और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स रहती है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड, इस सारे एग्जाम्स में आप किसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक शेयर एंड फॉलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड